हाय दोस्तों, ऑल इन वन चैलेंज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पैन कार्ड की वेबसाइट में रजिस्ट्री के बारे में, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं ये करके दिखा दूंगा। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं सिंपली इसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर ले। तो मैं सिंपली चूज़ करूंगा मेरा जो क्रोम ब्राउजर है उसे, और ये क्रोम ब्राउजर मेरा खुल चुका है। और यहाँ पे सर्च बॉक्स पे लिखना है ई गैप फिलिंग, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉग इन या सिंग इन। आप यहाँ पे मेनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये वर्ड को रखना है। ठीक है, ई फिलिंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है और उसके बाद जो आपके पास पहला वाला जो ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स की, उसे ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसमें आपको बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ऑप्शन को चूज़ करें। चूज़ करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इनकम टैक्स का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरा जो फ़ोन है, ये फ़ोन है इस वजह से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपके पास, और लैपटॉप होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक इनकम टैक्स की ऐड देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ से सिंपल सी कट कर दें। और मैं पेज को अब छोटा कर लेता हूँ, जैसा कि आप पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि इस पेज को मैंने ओपन कर किया था, तो यहीं से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में कॉर्नर पे दिखेंगे रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है लॉगिन किया था, और अब मैं रजिस्टर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, और इस तरह से का आपका जो पेज खुलने के बाद यहाँ पे आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से का आपको एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा पैन कार्ड, सरनेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पे एक कैलेंडर दिया होगा और रेसिडेंट स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो पैन कार्ड नंबर है उसे डालना पड़ेगा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसी वजह से आपको यहाँ पे ब्लैक कवर दिखने को मिल जाएंगे। तो इसे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अपना मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, मेरा पैन कार्ड का जो नंबर है वो मैंने फिल अप कर दी है। अभी हमारा जो सरनेम है दे देते हैं, सरनेम भी दे दिया, और यहाँ पे दे देते हैं।
यहाँ पे हमारा जो सरनेम है यानी कि टाइटल वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिन नेम और उसके बाद आपका फर्स्ट नेम। पैन कार्ड के लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आपको ये मिल जाएगा। उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा वरना नहीं होगा। उसके बाद आपको रेजिडेंट स्टेटस में क्या करना है, यहाँ पे रेजिडेंट पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और आपके पास कुछ इस तरह से का एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद ये जो आप स्टेप टू में आ चुके हैं, स्टेप टू थ्री और फोर। स्टेप थ्री में हमारा जो है वेरिफिकेशन होगा और फोर में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज करना है एक पासवर्ड। ये जो है एक फॉर्म है तो आप सावधानी से फिल अप करें धीमे से। यहाँ पे आपको ये मांगे जाते हैं एक पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, या फिर प्रीमियम सिलेक्शन क्वेश्चन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने पे स्टार है रेड कलर की, उसको आपको फिलअप मस्ट करना ही है। ठीक है, तो आप ये सभी क्वेश्चन का उत्तर देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर लिखा है प्राइम सिक्योरिटी आंसर, आपको आंसर देना है। सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन भी है और उसका भी आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहे तो 100 सिलेक्ट आंसर, यानी कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही है गलत है, आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और आप देख सकते हैं उसके बाद लैंडलाइन नंबर, आपके पास अगर घर का कोई नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिक्स नंबर यानी आपके पास कोई फिक्स यानी आपके पास ही है ऐसा कुछ नंबर। यहाँ पे प्राइम मोबाइल नंबर, आपके पास जो रहेगा ही वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देना पड़ेगा। प्राइम मोबाइल नंबर बिलोंग टू यानी आप यहाँ पे अपने पास जो मोबाइल है उसका नंबर यहाँ पे दे दीजिए तो ये अच्छा रहेगा। सेकंड मोबाइल नंबर, आपके पास कुछ सेकंड मोबाइल नंबर है। यहाँ पे जीमेल पे भी एक रेड स्टार है तो आपका जीमेल भी देना पड़ेगा। ई मेल में मतलब एक्स्ट्रा अगर आपके पास जीमेल है उसका, उसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कंट्री, ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा। तो पहले मैं अपना लाइव कर लेता हूँ हमारा। और एक बात बताना तो भूल ही गया, ये जो पासवर्ड है ये आपको फिलअप करना है। एक एक यानी एक जो पासवर्ड होगा वो ब्लॉक लेटर में लिखना है और कुछ पासवर्ड को लिखना है छोटे अक्षरों में। ठीक है, छोटे अक्षरों में, और कुछ को लिखना है अंक यानी कि एक दो ऐसा करके, और कुछ को लिखना है ये स्पेशल चिन्ह जो होते हैं उसके, जैसे कि @#, डॉलर वगैरह वगैरह, ये जो भी है स्टार। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ चिन्ह देना होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांगली हो सके, स्ट्रांग हो सके इसके लिए। तो चलिए मेरा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं फिल अप कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग है तो यहाँ पे आपका ग्रीन लाइट, इधर दिखा देता हूँ मार्क करके, इधर आपका जो ग्रीन लाइट है वो शो हो जाएगा। तो ये आप समझेंगे कि ये मेरा पासवर्ड जो है वो सही है। उसके बाद आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे हमारा जो पासवर्ड है वो सही नहीं हुआ है कि नहीं। मैं कट करके इसे लिखना चाहूंगा। ये रहा, हाँ मैं यहाँ पे कॉन्फर्म पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे मेरा हो गया और यहाँ पे
आप देख सकते हैं, अगर आपका सही है तो यहाँ पे आपको कॉन्फर्म लिखा मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको लिखा है प्राइमरी क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस फॉर्म में जो कुछ भी आप फिलअप कर रहे हैं वो आप एक नोट कर लें आपके कुछ डायरियों में, आप फिर से ये अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये हेल्प करेगा। तो मेरा सुझाव है कि आप ये नोट कर लें। यहाँ पे व्हाट इज योर ऑप्शन सिबलिंग, फर्स्ट सिस्टर, फर्स्ट नेम वगैरह वगैरह, स्कूल नेम, सिटी ऑफ योर नर्सरी, बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं जो है वो एक ही चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे चूज करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सो पासवर्ड में कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको देना पड़ेगा। सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन में भी मैं क्या सिलेक्ट करने वाला हूँ, स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो स्कूल का नेम है वो मैंने फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पासवर्ड है वो ठीक है और इसका भी ठीक है, तो इसी वजह से कोई रेड नहीं आया। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपकी रेड लाइन आ जाएंगी वहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि ये हमारा गलत है। तो अभी तक मेरे पास कोई गलत नहीं है यार, हम यहाँ पे लैंडलाइन मार्क नहीं देंगे, प्रीमियम मोबाइल नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैंने दे दिया, सिलेक्ट प्राइमरी मोबाइल नंबर, तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैं दे दूँगा। और हो गया, उसके बाद कहाँ पे रेड यानी कि रेड स्टार है वहाँ पे जाके मैं फिर से फिलअप करूँगा और मुझे कुछ फिलअप नहीं करनी है। आपको अगर चाहिए फिलअप करना तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपली ईमेल पे जाता हूँ और मेरा जो ईमेल है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी ईमेल आईडी बिलोंग टू सेल्फ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी है और कुछ नहीं देना है, छोड़ दीजिए यहाँ पे और कुछ नहीं देना है। और उसके बाद आप चले जाइए रेड यानी कंट्री, तो आपकी से डोर बिलो यानी कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपकी घर की मतलब एड्रेस पूछ रहा है। यहाँ पे कोई रोड वगैरह आपके पास कुछ है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया वो, और आपकी एरिया की पिन कोड यहाँ पे
देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया और आप धीरे धीरे से फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी आपको फिलअप हो जाएगी। अगर आपके पास रेड कलर की कुछ आ रहा है तो वहाँ पे आपको कमेंट करके बताएं, मैं उसका सलूशन जो है वो मैं बता देता हूँ। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, एयर लोकेशन। यहाँ पे एयर लोकेशन क्या कहते हैं देखते हैं। लोकेशन जो है हमारा लास्ट में, पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट यानी सिटी। सिटी जो है वो मैंने एक ही है। तो यहाँ पे फिलअप एक्चुअली मेरा सब कुछ हो गया और आप देख सकते हैं मेरा अभी कोई रेड नहीं आया। अगर आपके पास कोई रेड आ रहा है और आप उसे सही भी लगा रहे हैं और हो नहीं रहा है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, उसका सलूशन मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसका जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में। और एक बात, यहाँ पे कंटिन्यू पे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है ये पिन नंबर मेरा जो है नहीं देना चाहिए था, ठीक है, ओ सेट ये मैंने क्या कर दिया। अरे भाई मेरा तो बैक हो गया, थोड़ी देर बाद ओपन कर लेते हैं। और मैं फिर से यहाँ से फिलअप करने के बाद पहुँचा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं, मैं फिर से कंटिन्यू कर लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ और आया है, OTP 1 विल सेंड आप जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पे, और जीमेल पे एक OTP आएगा, उस OTP की द्वारा ही आपका ये रजिस्ट्रेशन फिल होगा। मैंने कहा था कि स्टेप 3 में आपकी वेरिफिकेशन होगी, तो ये है हमारा स्टेप 3, इस पर आपको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक जीमेल पे OTP जाएगा और मोबाइल पे, यानी दोनों पे OTP जाएगा। तो मोबाइल पे जो OTP है वो हमारा आ गया और जीमेल पे भी मोबाइल OTP आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अपना OTP फिलअप कर लेता हूँ। आप अपनी OTP दे, ये OTP ना दे ये आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आप मेरा सलाह है आपका ही OTP हमें लगा ही वरना नहीं होने वाला है। ये तो जीमेल का है भाई, मैंने उल्टा दे दिया। यहाँ पे मेरा फिर भी रेड दिख रहा है, वेरीफाइड में कर लेता हूँ। वेरीफाइड के बाद कुछ इस तरह से मेरा जो स्टेप है वो 4 नंबर पे चला गया, यानी कि मेरा जो ये फिलअप है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आपको मैसेज मिल चुका है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे मैं अपना मैसेज दिखा देता हूँ, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट सक्सेसफुली लिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड यानी कि लॉगिन, इसकी और एक वीडियो है। यहाँ पे मैं सिंपली लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका और एक वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर लिंक के बारे में है वो वीडियो, उसी के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया था एक्चुअली। तो आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।
और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो ये YouTube चैनल है, इस पे आपको काफ़ी सारे सॉन्ग देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये फालतू में डाला है, ये आपको एंजॉय करने के लिए दिया गया है। तो प्लीज़ इसे सुनिए और बोलिए ये सॉन्ग कैसा है, बुरा है या अच्छा है, कुछ भी आप यहाँ पे कमेंट पर लिख सकते हैं। अगर बुरा है तो भी आप लिख सकते हैं, मैं सॉन्ग अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और आज का वीडियो बस इतने तक ही था, तो अगले वीडियो तक अलविदा, फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।